नगला चितगांव निवासी राजेश उर्फ राजू 28 वर्ष की हत्या के मामले में एसओजी सर्वसलान समेत थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर उसके घर के पास से हत्या में प्रयुक्त बांका भी बरामद किया। मामले में तीसरा आरोपी पुलिस की पकड़ से अभी भी दूर है। जानकारी के मुताबिक क्षेत्र अंतर्गत भरथना बिदुरा मार्ग पर पड़ियापुरा गांव के सामने शनिवार की सुबह करीब 10 बजे एसओजी सर्विसलांस थाना पुलिस की टीम बीती 22 मार्च को नगला क्षेत्र में राजेश की हत्या के आरोपी की तलाश में वाहन चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान मुखबिर की सटीक सूचना पर बाहरपुर पुल के पास कहीं बाहर जाने की फिराक में खड़े आरोपी संजीव कुमार उर्फ टोनी व उसके भाई मनोज कुमार यादव उर्फ पांडे निवासी का नगला क्षेत्र भरथना की घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर उसके घर के पास से हत्या में प्रयुक्त बांका बरामद किया। बताते चले मृतक राजेश उर्फ राजू की हत्या के बाद उसकी पत्नी माधुरी उर्फ आरती ने गांव के संजीव कुमार उर्फ टोनी मनोज उर्फ पांडे वसीवा जी के खिलाफ पति की हत्या करने पर पुलिस में तहरीर दी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की खोजबीन जुट गई। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में एसओजी निरीक्षक अनिल कुमार विश्वकर्मा, एसआई सुमित चौधरी, प्रभारी सर्विसलांस प्रभारी निरीक्षक भरथना रणबहादुर सिंह, एसआई राजेश कुमार, एसआई अमरदन सिंह, हेड कांस्टेबल गजेंद्र सिंह, कांस्टेबल रईश खान, जालंधर सिंह व अनिरुद्ध कुमार शामिल रहे। भरथना संवाददाता अतुल कुमार। पुलिस खुलासा कर रही है। आज मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि दिनांक 22/3/2023 को नगला चित थाना भरथना जनपद इटावा में एक व्यक्ति राजेश कुमार यादव की बांका से वार करके हत्या कर दी गई थी, जिसमें उसकी पत्नी माधुरी द्वारा 90/23/302 IPC दर्ज कराया गया था। उसके तहरीर के आधार पर दर्ज हुआ था, जिसके आधार पर नामजद 3 मुलजिम थे, जिनमें से संजीव यादव और मनोज पांडे को गिरफ्तार किया गया है और अभी इसमें शिवाजी बाकी है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा तथा घटना में प्रयुक्त जो घटना जिससे कारित की गई थी वो बांका भी बरामद कर लिया गया है। इसमें नियमानुसार गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की जाएगी तथा इसमें शीघ्र ही हम जो अगला नामजद है शिवाजी उसको गिरफ्तार करके जो थाना भरथना की पुलिस टीम थी एसओजी और हमारी भरथना की टीम जो सचो है सचो आरवी सिंह, उनको इसके लिए पुरस्कृत भी मैं कर रहा हूँ। इन्होंने बहुत ही जल्दी इसकी जो है 48 घंटे के अंदर गिरफ्तारी कर ली है। मेरे द्वारा 2-3 टीमें इसमें लगाई गई थी और जल्दी ही सफलता मिल गई है। निश्चित तौर से ये जल्दी सफलता मिली, इसके लिए मैं टीम को बधाई देता हूँ। जो लोग गिरफ्तार हुए क्या बताया, आखिर क्या वजह थी हत्या करने की? हत्या की वजह थी आपस में जो गाँव में शराब पी करके कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था, 9 महीने पहले झगड़ा हुआ था, उसी के लेकर के आपस में कमेंटबाजी होती थी और जो कि 22/3 को जो है हत्या के रूप में सामने आई और जिसके भविष्य में गिरफ्तारी करके जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है।